ऑलराइट गाइस, तो अभी के टाइम पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर ये फोटो सब काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है। अगर आपको भी कुछ इस तरह, अगर आपके पास बाइक्स है, अगर आपके पास बाइक्स नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप ना इस तरह फोटो सब अपने बना सकते हो। तो देखो भाई, आप ना अपना पोजेस मार देना, जैसे कि ये बंदा बाइक के थ्रू पोजेस कर रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग पोज करना, और उसके बाद इस तरह आप भी फ़ोटो एडिट कर सकते हो जस्ट वन क्लिक पे। और ये सारा AI के माध्यम से होगा, यानी कि आपको कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि AI ना आपका टाइम को बहुत ही ज़्यादा सेव कर देता है। तो इसीलिए आप भी ना इस तरीके से फोटो सब बना सकते हैं जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर देना, ताकि ना नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड होगा आप मिस ना कर जाओ। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना, ताकि 2 लाख के करीब हूं और बहुत जल्द आप लोग के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख भी हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले आप सभी को फोटोलिप एप्लीकेशन को ओपन करना है। एडिट फोटो पे मैंने क्लिक किया और गाइस आपको जैसे कि देखने को मिलेगा यहां पर अपना फोटो सब। तो जो भी आपका फोटोज है, जिसे भी आप एडिट करना चाहते हो, सिंपल उस वाले फोटोज को आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं अपना बाइक वाले फोटोज को भी यूज़ कर सकते हो, विदाउट बगैर बाइक का भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर इस टाइप का फोटोज भी यूज़ कर सकते हो। तो डिपेंड्स आपके ऊपर, ये टोटली करता है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग कर लेना। बाकी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। अब गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ से साइज को इंक्रीज करना है, और ये जो आप देख रहे हो स्काई, ये स्काई को मैं क्या करता हूँ इस तरह, क्योंकि मेरे को ना सबसे पहले स्काई चेंज करना है। अब देखो मैंने यहाँ पर साइज को छोटा कर लिया, और उसके बाद परफेक्ट तरीके से आपको स्काई के, मतलब देखो भाई यहाँ पर इस तरह तरीके से मैं कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर रिफाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना, और इससे ना आप अपने हेलमेट को या जो भी पार्ट आपको लगता है गलती से, मतलब यहाँ से इरेजर का ऑप्शन है तो आप यहाँ से इरेज कर सकते हो अपने पार्ट सबको, और थोड़ा मैं कर देता हूँ। ऑल राइट, अब यहाँ पर गाइस आप एरो पे क्लिक करना और यहाँ पर टाइप करना कलरफुल, कलरफुल सनसेट स्काई, एरो पे क्लिक कर देना। यहाँ पर 3 रकम का आपको स्काई दिखाया जाएगा, जो भी स्काई आपको पसंद है आप वो वाले स्काई को रख सकते हो, जैसे कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर पसंद नहीं आता है तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर और पसंद नहीं आता तो प्लस पे क्लिक करते रहना, डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखाता ही रहेगा, ये बनाते रहेगा ये। तो जो भी आपको स्काई पसंद है आप वो स्काई सबको यहाँ से ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने इस वाले स्काई को लिया, राइट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और गाइस राइट का ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करना है, आपका बन चुका है। इनहेंस का ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटो को ना थोड़ा इनहेंस कर लेना, ताकि आपका फोटो का क्वालिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। अब राइट का ऑप्शन पे क्लिक करना, बट ये परचेस करने को कहता है तो मैं करता नहीं हूँ, मगर आप कर लेना। अब गाइस फोटो को तो आपने इनहेंस कर लिया, अब उसके बाद kriya.ai साइट पर चले आ जाना, इनहेंसर अप स्केल एंड इनहेंस, इस पर क्लिक करना है, अपने आईडी को लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैंने आईडी साइनिंग कर लिया। अब स्केल इनहेंस पर क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, किस फोटोज़ को करना है, आपने जो अभी फ़ोटोज़ को यहाँ पर रिसेंट से बनाया। तो देखो भाई यहाँ पर सेव का ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटो को डेफिनेटली सेव कर लेना, और अगर वाटरमार्क वगैरह दिखता है तो अपना वो पिक्सआर्ट से रिमूव कर सकते हो। तो गाइस आप सभी को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है, ताकि ना आप इस जगह से अपने वाटरमार्क को रिमूव कर सकोगे। तो देखो भाई यहाँ पर स्लाइड करोगे रिमूव देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपल ये इसके ऊपर ड्रॉ करना है। तो मैं ना जैसे तैसे करके ड्रॉ कर देता हूँ, आप अच्छे तरीके से कर देना, और भाई इस तरह, उसके बाद रिमूव पर क्लिक करना, आपका जादू मंत्र से ये गायब, देखिए गायब। अब इससे आप सेव कर लो, इस तरह सेव भी हो चुका है। अब जाके आप उस वाले फ़ोटो को दोबारा से इंपोर्ट कर दो, मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया पिक्सआर्ट वाला फ़ोटोज़ को, अपलोडिंग पे है, और ये तुरंत आपका यहाँ पर kriya.ai पे मैंने जैसे कि अपलोड कर दिया, ऑटोमेटिक ये प्रॉम्प्ट जनरेट कर देता है। मैं 16 पे क्लिक किया, और यहाँ पर देखो 16 पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सारा ये सब ऐसे रहने देना, जस्ट इनहेंस पे क्लिक कर देना। तो मैं एक बार इनहेंस पे क्लिक कर दिया, नीचे की तरफ आप देख सकते हो स्टार्टिंग इनहेंसिंग। तो गाइस अभी आप देख सकते हो फोटो कुछ इस तरह बन चुका है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस फोटो को ना आप इस जगह पे क्लिक करके इस जगह से सेव कर सकते हो। तो देखो इस डाउनलोड बटन पे मैंने क्लिक किया और इस फोटो को सेव कर लिया। अब सेम उस फोटो को आपको दोबारा इंपोर्ट करना है, जैसे कि मैं इस पर अपलोड पर क्लिक किया, और सेम आपके प्रॉम्प्ट आएगा 16 पे क्लिक करके आप इसे और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। तो जितना बार करोगे उतना बार आपको उस फोटो को इनहेंस होते रहेगा, और बहुत ही टॉप क्लास आपको देखने को मिलेगा उसके बाद। उम्मीद है पसंद आया, क्योंकि भाई काम तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो चलो यार मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करो। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना।